कथा प्रश्न और प्यास। ये पाठ चित्र कथा शैली में रचित है। इसमें महाभारत के एक प्रसंग को आधार बनाया गया है। पांडव जुए में अपना सब कुछ हार कर अज्ञातवास कर रहे थे। ये चित्र कथा उन्हीं दिनों की एक घटना पर आधारित है। एक दिन दोपहर के समय पांडव प्यास से व्याकुल हो गए। उन्होंने इधर उधर पानी ढूंढने का प्रयास किया। उन्हें एक सरोवर तो मिल गया, पर उसका स्वामी यक्ष था। वो पानी पीने से पहले अपने प्रश्नों के उत्तर चाहता था। उसी प्रसंग को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। दोपहर का समय है। पांडव द्वैत वन में एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। ओह, मुझे बहुत प्यास लग रही है। मुझे भी। हमें अधीर नहीं होना चाहिए नकुल, कहीं न कहीं पानी अवश्य मिल जाएगा। अच्छा, मैं वृक्ष पर चढ़कर देखता हूँ। कुछ दूर हरियाली दिखाई दे रही है, यही कहीं पानी अवश्य होगा। तुम पूर्व की ओर जाओ। जो आज्ञा भैया। नकुल पूर्व की ओर चल पड़ता है। अरे, यहाँ तो स्वच्छ और शीतल जल का सरोवर है। लो, मैं सरोवर से जल पी लेता हूँ। तभी एक आवाज उन्हें जल पीने से रोकती है। ठहरो, इस सरोवर से जल पीने का साहस मत करना। आखिर तुम हो कौन? भला मैं इस सरोवर का जल क्यों नहीं पी सकता? मैं यक्ष हूँ। इस सरोवर से वही व्यक्ति जल पी सकता है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। नहीं, मुझे प्यास लगी है। मैं तो पानी पीऊंगा, फिर तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। खबरदार, मैं फिर कहता हूँ कि सरोवर के जल को पीने का साहस मत करना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे ही नकुल ने सरोवर का पानी पिया, वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। तुम माने नहीं, अब भुगतो मेरी बात न मानने का परिणाम। सहदेव, नकुल को गए बहुत देर हो गई, वह लौटा नहीं। भैया, मैं जाकर देखता हूँ। सहदेव भी सरोवर के समीप जा पहुंचा। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, अन्यथा तुम्हारा हाल भी नकुल के समान होगा। सहदेव भी लौट कर नहीं आया। अर्जुन, आप चिंता न करें भैया, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। हाँ अर्जुन, तुम शीघ्र जाकर उन्हें खोजो। इसी प्रकार अर्जुन और भीम भी यक्ष के द्वारा मूर्छित हो गए। हे ईश्वर, मेरे चारों भाई कहाँ रह गए? लगता है कि वे किसी विपत्ति में फंस गए हैं। अब तो मैं ही चलकर देखता हूँ। अरे, यहाँ तो काफी जल है, पर मेरे भाई अचेत क्यों पड़े हैं? पहले मैं पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूँ। युधिष्ठिर, इस सरोवर के जल को पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, वरना तुम्हारा हाल भी भाइयों की तरह होगा। आखिर तुम हो कौन? मैं यक्ष हूँ। जो मेरे प्रश्नों के उत्तर देगा, वही इस सरोवर का पानी पी सकता है। मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने को तैयार हूँ। पूछो अपने प्रश्न। विपत्ति में मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य ही मनुष्य का साथ देता है। किसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? अहम भाव को त्याग कर। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्य। राजन, मैं तुम्हारे उत्तरों से प्रसन्न हुआ। तुम किसी एक भाई को जीवित करवा सकते हो, बताओ किसे? मैं नकुल को जीवित कराना चाहता हूँ। युधिष्ठिर, तुम वीर भीम धनुधर अर्जुन का जीवन क्यों नहीं मांग रहे? यह मेरे धर्म का प्रश्न है। सुनो यक्ष, मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ माद्री का पुत्र नकुल भी जीवित रहे। राजन, तुमने अपनी उदारता से मुझे हरा दिया, तो क्या आप मेरा अनुरोध पूरा करेंगे? मैं तुम्हारी उदारता और न्यायप्रियता से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर दूंगा। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, इसमें तुम सफल रहे। चलो, अब हम अपनी प्यास बुझा लें।